अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर इस वीडियो में बी फार्मेसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कुछ और कुछ और भी ज़रूरी बातें करेंगे जो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। उससे पहले अगर आप नीट या फिर किसी और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पार्ट जो भी किसी भी एग्ज़ाम में आता है, तो आप जो है वो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो है अगर आपको चाहिए तो आप उनके पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बी फार्मेसी की बात करते हैं हम, तो अभी हाल में कुछ ही टाइम पहले बोपी की तरफ से जो है फर्स्ट टाइम बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए नोटिस जो है वो जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया और उनकी जो सिलेक्शन होगी वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि ट्वेल्थ बेस जो परसेंटेज है उसके बेस पर होगी, कोई भी एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और वो कॉलेज जो था वो जम्मू में था, तो उसी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था और ये जानना चाहते थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो वही मैंने सोचा कि आपको वीडियो के ज़रिए बताया जाए कि कश्मीर में भी बी फार्मेसी होती है, कर सकते हैं किसी कॉलेज में या नहीं। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की हम 2020 में जो एडमिशन हुई उसके थ्रू हम बताते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है आपको, जैसे ये एक नोटिस है, नोटिफिकेशन जो है एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ 2020, ये 2020 का है। तो मैं एक एग्जांपल, ये नहीं कि ये नोटिस निकला है, ये ओल्ड नोटिस है 2020 का है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप एडमिशन ले सकते हैं कश्मीर में भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी बी फार्मेसी जो है वो ऑफ़र करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि बी फार्मेसी की बात करें तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है ना। मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आपको यहाँ पर जो है एडमिशन मिलती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स जो रही थी 2020 के लिए वो अक्टूबर और नवम्बर की डेट्स रही थी, ये देख सकते हैं आप, 29/10/2020 यानी कि 29 अक्टूबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे स्टूडेंट्स ने, लास्ट डेट रही थी 9th of November 2020। तो इस मंथ में जो है वो आपको, अब मतलब ये याद रखने के इन मंथ्स में जो है वो बी फार्मेसी के फॉर्म वो इशू होंगे, मतलब जो है तो आपको ध्यान में रखना है। मे बी इससे पहले भी हो तो हम भी कोशिश करेंगे, अगर इससे पहले जो है एडमिशन के लिए नोटिस आता है तो आप सबसे ज़रूर शेयर कर देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बी फार्मेसी करना चाहते हैं। 4 ईयर कोर्स होता है, काफ़ी इसका स्कोप भी है, आप देख सकते हैं बी फार्मेसी करके आप आपके पास डिग्री आ जाती है, आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर बी फार्मेसी की बात करें हम तो उसी के अपने जो स्कोप की बात करें, बी फार्मेसी करके आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हर साल आप देखते हैं कि पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है, और साथ साथ में आप अगर अपना प्राइवेट अपना सेल्फ एक बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर, उसके लिए भी अब उन्हीं वही जो है वो लाइसेंस इशू उन्हीं को होगा जिनके पास बैचलर डिग्री होगी, बी फार्मेसी होगी। बाकी पहले ये होता था डिप्लोमा या फिर और तरीके से भी लाइसेंस इशू हो जाता था, अब नहीं है वो, ठीक है ना। अब डिग्री होनी चाहिए, बी फार्मेसी की होगी उसी का लाइसेंस इशू होता है उसी को, और बहुत बढ़िया काम है, ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बी फार्मेसी कर सकते हैं। आपको याद रखना है कश्मीर यूनिवर्सिटी भी में भी एडमिशन होती है, लेकिन अब यहाँ पर क्या ट्वेल्थ बेस के मार्कशीट पे, मतलब मार्क्स पे होती है, परसेंटेज पे होती है सिलेक्शन, या फिर अलग से एंट्रेंस होता है, तो इसके लिए एंट्रेंस होगा, ठीक है ना। तो 10+2, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 होनी चाहिए आपके पास, बायोलॉजी होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स ओपन मेरिट के लिए, और 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मेसी के लिए। एडमिशन होगी जो उसके लिए साफ तौर पे लिखा है कि कश्मीर की तरफ से कि जो एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, ठीक है ना। तो उसी में जो मेरिट के हिसाब से जो है वो सिलेक्शन होती है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो आपके मंथ्स हैं ज़रूरी,
जिन महीनों में ये फॉर्म निकलता है, अक्टूबर में निकलता है, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, जब भी आएगा हम आप सबसे ज़रूर शेयर कर देंगे। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके। और इससे पहले भी आ सकता है, अगर पहले आता है तो तब भी आपको रेडी रहना। बाकी अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, क्योंकि नीट के थ्रू बहुत सारे, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनमें नीट के ही स्कोर पर, उसी के मार्क्स के ऊपर ही आपको एडमिशन मिलेगी बहुत सारे कोर्सेज़ में। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को चाहिए कि नीट की अच्छे से तैयारी करें। नीट के फॉर्म लगने वाले हैं, वो फिल करने हैं, उसके बाद इंट्रेंस होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पोर्शन आपको यहाँ पर कोचिंग नोट्स मिलेंगे, हैंड राइटिंग नोट्स, हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट जाना है हमारे जो वीडियोस हैं वहाँ पर, और उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे कुछ नोट्स, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं केमिस्ट्री के, ओके। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हेल्प मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इसके रिगार्डिंग। बाकी नीट में क्या कट ऑफ रहा, अगर आप वो वीडियो चाहते हैं, अब आने वाला, क्योंकि 2021 सेशन में जो रिज़र्वेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो रिज़र्वेशन क्या रहने वाली है, नीट में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इस बार। तो प्रिपरेशन आप फ़िलहाल अपनी उसी तरह रखिए अच्छे से, तो जो भी होगा हम आप सबसे शेयर करते रहेंगे। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।